जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट उर्दू। तो आज हम ये एक एलसीडी बनाएंगे। इस एलसीडी को हम रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। कस्टमर की ये शिकायत है कि ये ऑन नहीं हो रहा, तो अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो अब हम इसको स्विच लगा के चेक करते हैं। तो ये मैं अपना स्विच लगा रहा हूँ सीरीज बोर्ड के ऊपर। ठीक है जी, तो मैंने इसको सीरीज बोर्ड के अंदर लगा लिया है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई भी एलईडी ग्लो नहीं कर रही। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख लें एलईडी ग्लो नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि इसकी पावर सप्लाई में फॉल्ट है। तो अब हम इसको खोलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो जितना दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अभी इसके नट जो हैं, जितने भी इसके नट हैं, मैंने खोल दिए हैं। तो अभी हम इसको ऊपर की जान खींचेंगे। ठीक है जी, तो मैं इसको ऊपर की जान खींचता हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो आप लोगों ने इसको ख्याल करना है कि इसके नीचे स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर के वायरें हम निकाल देते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें आप, ये स्पीकर की वायरें लगी होती हैं इसके अंदर, तो आप लोगों ने ये निकाल देनी है। मैं अभी इसके निकालता हूँ अभी स्पीकर की वायरें, दोनों स्पीकर की वायरें आप लोगों ने निकाल देनी है। ठीक है जी, मैंने दोनों स्पीकर की वायरें निकाल दी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये स्पीकर की वायरें लगी होती हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्पीकर की वायरें लगी होती हैं। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है, ऐसा नहीं कि आपने स्पीकर की तारें जो है तोड़ देनी है, इस चीज़ का ख्याल करना होता है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ ये दूसरे नट लगे हुए हैं, ये भी खोल देते हैं, फिर हम इस पैनल को बाहर निकालेंगे। ठीक है जी, तो पहले हम क्या करते हैं, इसके जो नट हैं ये भी खोल लेते हैं, अभी ये नट खोल लेते हैं हम। तो मैंने ये भी नट निकाल दिए हैं, अभी हमारा पैनल आज़ाद है, क्योंकि इस पर चाइना की एलसीडी है, इस पर दो ही नट लगे होते हैं, अमूमन दो लगे होते हैं, किसी पे चार लगे होते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादातर जुगाड़ी हुआ होता है, क्योंकि ये चाइना की एलसीडी होती हैं। ओरिजिनल में ऐसे नहीं होता, ओरिजिनल में साफ़ सुथरा काम हुआ होता है, लेकिन ये चाइना की एलसीडी है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जुगाड़ बहुत होता है। तो मैं ये देख लें आप, ये आप देख रहे हैं, ये इसका लैंप कार्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है सप्लाई के साथ। तो पहले हम इस लैंप कार्ड से पैनल को हटा देते हैं। ठीक है जी, जो इसका लैंप कार्ड है उसमें से हम ये हटा देते हैं, ये जो वायर्स लगी हैं पैनल की वो हमने उतार दी हैं। उसके बाद हमने LVDS की ये निकाल देना है जैक, LVDS का जैक निकालना है हमें, ये भी मैंने निकाल दिया है। अब ये हमारा पैनल आज़ाद हो गया है, हम इस पैनल को साइड में रख लेते हैं। ठीक है जी, हमने इस पैनल को भी साइड में रख लिया है। तो हमारा फॉल्ट था सप्लाई का, तो हम सप्लाई को चेक करेंगे, सप्लाई के वोल्टेज चेक करेंगे, इसके देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कस्टमर ने बोली थी कि ये मेरी न्यू एलसीडी है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक जुगाड़ मारा हुआ है कि ये असल में किसी मॉनिटर की एलसीडी का ये कार्ड है, मॉनिटर की एलसीडी है कि उसका ये कार्ड है, उसमें से ये कार्ड निकला हुआ है, जिसमें सप्लाई और लैंप कार्ड दोनों कट्ठे लगे हुए हैं। तो अब हम इसको निकालते हैं कार्ड को बाहर, और ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये फटा हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें हम मज़ीद चेक करते हैं क्या क्या इसके अंदर क्या फॉल्ट है। और ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये एक लाइन है, ये हमारी पावर सप्लाई है, और ये जो हमारा है लैंप कार्ड है। ठीक है जी, तो ये अब हम रिपेयर करते हैं। इसके अलावा ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो एक वाइट कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये AC220 की है, और यहाँ पर DC कन्वर्ट होता है, यहाँ से एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये आप देख लें, ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, इस ट्रांसफार्मर से ये कन्वर्ट होती है। ठीक है जी, यहाँ से 220 होती है, और फिर यहाँ पर 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जितने बनते हैं वो बनाती है फिर आगे।
ठीक है जी। और इस पे इसके अंदर जुगाड़ लगा हुआ है, जिस बंदा लेके आया था, जो शिरकत लेके आया था इसकी पावर सप्लाई ऑफ की, तो वो कस्टमर बोल रहा था कि ये मेरी नई एलसीडी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जुगाड़ मारा हुआ है। ये असल में चाइना की एलसीडी है, तो इस पे ज़्यादातर जुगाड़ ही हो जाते हैं, भले चाहे नई हो या पुरानी हो। ठीक है जी, तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये मोनीटर की पावर सप्लाई है, जिसके अंदर ये लैंप कार्ड साथ में लगा हुआ है। तो ये पावर सप्लाई बहरहाल ख़राब है, तो हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही काम स्टार्ट करेंगे, हम पावर सप्लाई से स्टार्ट करेंगे और पावर सप्लाई से होते हुए देखते हैं कहां तक ये फैल जाता है। तो अब हम पावर सप्लाई से इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आगे हम देखते हैं। तो मैं असल में पहले क्या करता हूँ, उसको कंटिन्यूटी रेंज पर रख लेता हूँ, मीटर को मैंने कंटिन्यूटी रेंज पर रख लिया है, और इसके बाद हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है जी, तो हम कंटिन्यूटी रेंज पर चेक करेंगे। तो पहले हम इसकी शॉर्टेज चेक करेंगे, क्योंकि इसका कैपेसिटर फटा हुआ है, तो पहले हमारा काम है इसकी शॉर्टिंग चेक करना। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इसके बाद हम इसका फ्यूज चेक करेंगे और यहाँ तक हम ब्रिज तक लेके जाएंगे। ये हमारी इसकी ब्रिज है, तो हम यहाँ से लेके जाते हैं ब्रिज तक और फिर यहाँ से लेके जाएंगे ब्रिज तक, दोनों वायरों को एक एक करके हम चेक करेंगे। तो ये ज़्यादा देर कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसका यही होता है कि अगर कोई भी बीच में शॉर्टेज होगी या कोई भी होगा तो आप लोगों को इस चीज़ का पता चल जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है जी, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, या फ्यूज़ तो सही है, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है, ये इधर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देख लें फ्यूज़ सही है जी, इसका फ्यूज़ सही है। और इसके अलावा ये हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉयल लगी हुई है, यहाँ पर एक कॉयल लगी है, वो भी चेक कर लेते हैं, ये देख लें कॉयल भी सही है। अब हमारी ये दोनों पॉइंटें यहाँ पर पहुँचनी चाहिए, ठीक है जी, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर पहुँच रही है, और इसके बाद ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर पहुँच रही है। अगर ये दोनों यहाँ पर पहुँच रही है तो ये आप लोगों ने समझ लेना है कि हमारी ये जो AC220 हमारे ब्रिज तक पहुंच रही है। अभी ब्रिज से आगे देखते हैं कोई चीज़ शॉर्टेज है या नहीं। तो ब्रिज से आगे हमें क्या चीज़ मिलती है, कैपेसिटर मिलता है बड़ा। अभी हम बड़े कैपेसिटर को चेक करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारे बड़े कैपेसिटर में तो वैसे ही फटा हुआ है, लेकिन हम चेक करेंगे कि इसके अंदर शॉर्टेज है या नहीं। तो ये हमारा कैपेसिटर है, तो इस पर हम चेक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैपेसिटर के अंदर शॉर्टेज तो नहीं है, लेकिन हमारा कैपेसिटर ख़राब है, वहाँ ऊपर से फटा हुआ है। तो पहले हम इस कैपेसिटर को चेंज करते हैं, फिर हम देखते हैं। तो जितो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर बुरी तरह से फटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू आप चेक कर रहे हैं, ये 100 UF और 450 वोल्टेज है, ठीक है जी, 450 वोल्टेज और 100 UF है, ठीक है जी, 100 UF है। तो ये हम चेंज करेंगे, इसकी जगह पर मैंने ये एक लिया हुआ है जो कि 400 वोल्टेज और 100 UF का है। तो इस पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसके वोल्टेज में 50 वोल्ट का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन UF सेम है। तो ये हम लगाते हैं इसके अंदर और फिर देखते हैं कि ये इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता, क्योंकि इसकी IC और MOSFET तो सही लग रहे थे, लेकिन इसका कैपेसिटर फटा हुआ था। तो ये लगा के हम इसको चालू करके देखेंगे, अगर ये चालू हो जाती है तो फिर हम आगे देखेंगे, वरना हम इसी के आगे चेक करेंगे, आगे और टेस्टिंग करेंगे कि आगे कोई फॉल्ट है कि नहीं। तो ये देख लें आप, ये 100 UF और 450 वोल्टेज है, और ये 400 वोल्टेज 100 UF है। तो अब हम ये लगाएंगे नया, और ये फटा हुआ इसको हम निकाल के रख लेंगे। तो एक चीज़ का मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम ये ऐसे खड़ा कर रखेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है इतनी बड़ी नहीं है, इसका जो पैनल है LCD का वो पैनल इसके साथ लगेगा, ठीक है जी। तो हमें इसको लेटाना पड़ेगा, ऐसे लेटाने के लिए हमें इसकी टांगें बड़ी चाहिए, लेकिन इसकी टांगें बड़ी नहीं है। तो मैं इसके साथ वायर कनेक्ट करूँगा, वायर कनेक्ट करने के बाद मैं इसके अंदर लगाऊँगा, ठीक है जी। तो मैं अभी इसके अंदर इसके साथ वायर कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, वो भी आपको दिखाता हूँ, मैं इसकी वायर कनेक्ट करता हूँ अभी। तो जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसके साथ वायर को ज्वाइंट कर लिया है। तो अभी हम इसको लगाते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ का और ख्याल करना है कि आप लोगों ने ये नेगेटिव और पॉजिटिव का थोड़ा सा ख्याल करना होता है,
ठीक है जी। ये जो एक पट्टा बना होता है, ये आप देख सकते हैं, ये पट्टा बना होता है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना होता है। ये देख लें, ये जो एक पट्टा बना होता है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना होता है। तो मैं भी इसको लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये पट्टे का कैसे ख्याल करना होता है। कि ये जो चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक पट्टा बनाया हुआ है, ठीक है जी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये आप देख लें, ये एक पट्टा बनाया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड हमें इस साइड करनी होती है। तो ये आप देख लें, क्योंकि ये नेगेटिव वाली साइड होती है और ये हमारी पॉजिटिव वाली साइड होती है। ये हमारी नेगेटिव वाली साइड है, सॉरी, ये हमारी नेगेटिव वाली साइड है और ये हमारी पॉजिटिव वाली साइड है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना होता है, ठीक है। उल्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने सीधा ही लगाना होता है, देख के लगाना है। अगर निकालें तो फिर आप लोगों ने उसका देख लेना है कैसे निकाला है हमने, ठीक है जी। तो अब हम ये इसको ऐसे लगाएंगे, ये देख लें, हम इसको ऐसे लगाते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं ये कैसे लगाते हैं। तो हम इसको लगाते हैं, आप देख लें, तो पहले हमने इसके ऊपर थोड़ी सी सोल्डरिंग चढ़ा लेनी है, क्योंकि हमारे सोल्डरिंग अच्छी तरह से लग जाए इसके अंदर। ठीक है जी, हमने इसके अंदर थोड़ी सी सोल्डरिंग लगा ली है अच्छी तरह से, तो आप ये देख सकते हैं। आप लोगों ने भी इस तरह से सोल्डरिंग लगा लेनी है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ कैपेसिटर लगाएंगे, वो तो इसके साथ हम कंडेंसर लगाएंगे, वो आपको दिखाते हैं कैसे लगता है। ये आप देख लें, तो ये आप देख लें कि एक साइड इसका पॉजिटिव लिखा हुआ है और एक साइड इसका नेगेटिव लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अभी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर एक नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है। लेकिन आप ये पट्टा देख रहे हैं, हर किसी चीज़ में एक सिंबल बना होता है, ये सिंबल बना हुआ है, पट्टा बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये पट्टे वाली साइड आप लोगों ने यहाँ पर लगानी होती है, ठीक है। तो वो मैं अभी लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसको लगाता हूँ, तो जितो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लगा लिया है। ये पट्टे वाली जो साइड है मैंने यहाँ पर लगाई है और जो पॉजिटिव वाली साइड है वो मैंने यहाँ पर लगाई है। तो अभी हमने इसको लगा लिया है और अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखते हैं कि ये हमारा चालू होता है कि नहीं होता। तो अब हम इसको चेक करते हैं चालू करके, ठीक है। हमने अभी इसको चेक करना है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जो ये एलईडी है, ये हमारी ग्लो करती है कि नहीं करती, ठीक है। क्योंकि ये हमने पावर सप्लाई है, जो ये वोल्टेज है, ये हमने दिए हुए हैं, इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। अगर ये चल जाती है तो ठीक है, वरना हम इसको चेक करेंगे, ठीक है जी। तो अब हम इसको पावर सप्लाई, इसको मेन स्विच को हम सप्लाई इस पर पावर पर लगाते हैं, ठीक है जी। ये हमारा मेन है, तो इसको हम पावर पे लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ये चालू होता है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये एलईडी ग्लो करना शुरू हो गई है, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि हमारा ये भी पैनल चालू हो गया है। तो अब हम इसको पैनल लगा के, सब कुछ लगा के फिर चेक करते हैं, ठीक है। हमारी सप्लाई चालू हो गई है, सही हो गया, हमारी सप्लाई अभी चालू हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिट करते हैं, ठीक है जी। इसको सारे को फिट कर लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा पैनल चालू करती है कि नहीं करती है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सारे क्लब लगा लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर पैनल लगाएंगे, ठीक है जी। तो कि मैंने इसको टाइट कर लिया है, मैं जैसे भी आपको दिखा देता हूँ पैनल के नीचे, पैनल के नीचे मैं दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये वही
काड़े जो हमने अभी रिपेयर किया है, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही काड़ है जो हमने रिपेयर किया है, ठीक हो गया जी। तो अब हम इसको फिट करते हैं, और मैंने इसकी सारे तारें लगा ली हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, चालू करके देख लेते हैं कि ये हमारा पैनल अभी ऑन होता है कि नहीं होता। तो पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं। ये मैंने तार लगा ली है, इसमें पावर भी आ गया है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसका बटन प्रेस करता हूँ। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से बटन से। जितना दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये LCD तैयार हो गई है। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।